हेलो, ट्रेवल ऑफ हिस्ट्री चैनल में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम रोज आपको नई नई चीजों से परिचित कराते हैं। उसी श्रृंखला में हम आज आपको भारत के एक महाकाव्य से परिचित कराएंगे, महाभारत। महाभारत भारत का एक प्रमुख काव्य ग्रंथ है जो स्मृति के इतिहास वर्ग में आता है। इसे भारत भी कहा जाता है। ये काव्य ग्रंथ भारत का अनुपम धार्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक और दार्शनिक ग्रंथ है। विश्व का सबसे बड़ा ये साहित्यिक ग्रंथ और महाकाव्य हिंदू धर्म के मुख्यतम ग्रंथों में से एक है। इस ग्रंथ को हिंदू धर्म का पंचम वेद भी कहा जाता है। यद्यपि इसे साहित्य की सबसे अनुपम कृतियों में से एक माना जाता है, किंतु आज भी ये ग्रंथ प्रत्येक भारतीय के लिए एक अनुकरणीय स्रोत है। ये कृति प्राचीन भारत के इतिहास की एक गाथा है। इसी में हिंदू धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता भी सन्निहित है। पूरे महाभारत में लगभग 1,10,000 श्लोक हैं, जो यूनानी काव्य इलियड और ओडिसी से परिमाण में लगभग 10 गुना अधिक है। परंपरागत रूप से महाभारत की रचना का श्रेय वेद व्यास को जाता है। इसकी ऐतिहासिक वृद्धि और संरचनागत परतों को जानने के लिए कई प्रयास किए गए हैं। महाभारत के थोक को शायद 3री शताब्दी ईसा पूर्व और 3री शताब्दी के बीच संकलित किया गया था, जिसमें सबसे पुराने संरक्षित भाग 400 ईसा पूर्व से अधिक पुराने नहीं थे। महाभारत से संबंधित मूल घटनाएं संभवतः 9वीं और 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच की मानी गई। महाभारत के अनुसार कथा को 24,000 श्लोकों के छोटे संस्करण से विस्तारित किया जाता है, जिसे केवल भारत कहा जाता है। इस काव्य के रचयिता वेद व्यास जी ने अपने इस अनुपम काव्य में वेदों, वेदांगों और उपनिषदों के रहस्यों का निरूपण किया है। इसके अतिरिक्त महाभारत काव्य में न्याय, शिक्षा, चिकित्सा, ज्योतिष, युद्ध नीति, योग शास्त्र, अर्थशास्त्र, वास्तु शास्त्र, शिल्प शास्त्र, काम शास्त्र, खगोल विद्या और धर्म शास्त्र का भी विस्तार से वर्णन किया गया है। महर्षि वेद व्यास को महाभारत पूरा करने में 3 वर्ष लगे थे। इसका कारण ये भी हो सकता है कि उस समय लेखन लिपि कला का इतना विकास नहीं हुआ था जितना कि आज के समय में हो चुका है। उस काल में ऋषियों द्वारा वैदिक ग्रंथों को पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरागत रूप से मौखिक रूप से याद करके सुरक्षित रखा जाता था। उस समय संस्कृत ऋषियों की भाषा थी और ब्राह्मी आम बोलचाल की भाषा हुआ करती थी। इस प्रकार ऋषियों द्वारा संपूर्ण वैदिक साहित्य को मौखिक रूप से याद कर पीढ़ी दर पीढ़ी वर्षों तक याद रखा गया था। धीरे धीरे जब समय के प्रभाव से वैदिक युग के पतन के साथ ऋषियों की वैदिक साहित्यों को याद रखने की शैली लुप्त होने लगी, तब वैदिक साहित्य को पांडुलिपियों पर रखकर सुरक्षित रखने का प्रचलन प्रारंभ होता। विद्वानों द्वारा महाभारत की रचना की 4 प्रारंभिक अवस्थाएं पहचानी गई हैं। ये अवस्थाएं अगर देखें तो 4 रूपों में जो दिखाई पड़ती है, उसमें सबसे पहली अवस्था 1200 से 600 ईसा पूर्व के आसपास मानी जाती है। इसमें ऋषि मुनियों की इस वार्ता के रूप में कही गई महाभारत का लेखन, कला के विकसित होने पर सर्वप्रथम ब्राह्मी या संस्कृत में हस्तलिखित पांडुलिपियों के रूप में लिपिबद्ध किया गया था। जो दूसरी धारणा है वो 1000 ईसा पूर्व के आसपास मानी जाती है। महाभारत में गुप्त और मौर्य कालीन राजाओं का, जैन और बौद्ध धर्म का कोई वर्णन नहीं मिलता है।
और ये सभी काल लगभग 700 ईसा पूर्व के आसपास रहे। इस आधार पर यह माना गया कि ये काव्य 1000 ईसा पूर्व के आसपास लिखा गया था। साथ ही शतपथ ब्राह्मण एवं छांदोग्य उपनिषद में भी महाभारत के पात्रों का वर्णन मिलता है और ये सभी रचनाएं 1000 ईसा पूर्व के आसपास हुई थी। उस आधार पर माना गया कि महाभारत की रचना 1000 ईसा पूर्व के समय की गई थी। तीसरी धारणा 600 से 400 ईसा पूर्व के आसपास मानती है। पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी में महाभारत और भारत दोनों का उल्लेख किया गया है। इसके साथ साथ श्रीकृष्ण और अर्जुन का भी संदर्भ आता है। अतः महाभारत और भारत पाणिनि के काल के बहुत पहले ही अस्तित्व में आ गए थे। यूनान की पहली शताब्दी के राजदूत डियोक्राइसोस्टम ये बताते हैं कि दक्षिण भारतीयों के पास 1,00,000 श्लोकों का एक ग्रंथ था, जिससे पता चलता है कि महाभारत पहली शताब्दी में भी 1,00,000 श्लोकों के रूप में अस्तित्व में था। महाभारत की कहानी को ही बाद के मुख्य यूनानी ग्रंथों इलियड और ओडिसी में बार बार अन्य रूपों में दोहराया गया, जैसे धृतराष्ट्र का पुत्र मोह और कर्ण अर्जुन की प्रतिस्पर्धा को यूनानी काव्यों में भी दिखाया गया। संस्कृत की सबसे पहली शताब्दी की पांडुलिपि में महाभारत के 18 पर्वों की अनुक्रमणिका दी गई है, जिससे पता चलता है कि उस काल तक महाभारत 18 पर्वों के रूप में प्रसिद्ध था। यद्यपि 100 पर्वों की अनुक्रमणिका बहुत प्राचीन काल में प्रसिद्ध रही होगी, क्योंकि वेदव्यास ने महाभारत की रचना सर्वप्रथम 100 पर्वों में किया था, जिसके बाद सूत जी ने 18 पर्वों के रूप में व्यवस्थित करके इसे ऋषि मुनियों को सुनाया था। महाराजा शरवंत के 5वीं शताब्दी के तांबे की स्लेट पर पाए गए अभिलेख में महाभारत को 1,00,000 श्लोकों की संहिता बताई गई है। ये महाकाव्य जय संहिता भारत और महाभारत तीनों नामों से प्रसिद्ध था। अगर देखें तो वास्तव में वेदव्यास जी ने सबसे पहले 1,00,000 श्लोकों के परिमाण के भारत नामक ग्रंथ की रचना किया था। इसमें उन्होंने भारत वंशियों के चरित्रों के साथ साथ अन्य कई महान ऋषियों, चंद्रवंशी, सूर्यवंशी राजाओं के उपाख्यानों सहित कई अन्य धार्मिक उपाख्यान भी डाले थे। इसके बाद व्यास जी ने 24,000 श्लोकों का भारत वंशियों को केंद्रित करके भारत काव्य बनाया था। इन दोनों रचनाओं में धर्म की अधर्म पर विजय होने के कारण इसे जय भी कहा जाता है। महाभारत में कथा आती है कि जब देवताओं ने तराजू के एक पासे में चारों वेद को रखा और दूसरे पर भारत ग्रंथ को रखा तो भारत ग्रंथ सभी वेदों की तुलना में अधिक भारी सिद्ध हुआ। अतः भारत ग्रंथ की इस महत्ता को देखकर देवताओं और ऋषियों ने इसे महाभारत का नाम दिया था और इस कथा के कारण मनुष्यों में भी ये काव्य महाभारत के नाम से सबसे अधिक प्रसिद्ध होता है। महाभारत में ऐसा वर्णन आता है कि वेद व्यास जी ने हिमालय की तलहटी की एक पवित्र गुफा में तपस्या में संलग्न और ध्यान योग में स्थित होकर महाभारत की घटनाओं का आदि से अंत तक स्मरण कर मन ही मन में महाभारत की रचना किया था। परंतु इसके पश्चात उनके सामने गंभीर समस्या उत्पन्न होती है कि इस काव्य के ज्ञान को सामान्य जन साधारण तक कैसे पहुंचाया जाए, क्योंकि इसकी जटिलता और लंबाई के कारण उस समय यह काम काफी कठिन था कि कोई इसे कैसे बिना किसी गलती के वैसा लिख दे जैसा वो बोलते हुए जाए।
इसलिए ब्रह्मा जी के कहने पर व्यास गणेश जी के पास जाते हैं। गणेश जी लिखने को तैयार होते हैं, लेकिन वो एक शर्त रखते हैं कि कलम एक बार उठा लेने के बाद काव्य समाप्त होने तक वो बीच में नहीं रुकेंगे। व्यास जी जानते हैं कि यह शर्त बहुत कठिनाइयां उत्पन्न कर सकती है। उन्होंने भी अपनी चतुरता से एक शर्त रखी कि कोई भी श्लोक लिखने से पहले गणेश जी को उसका अर्थ समझना होगा। गणेश जी ने यह प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार कर लिया। इस तरह व्यास जी बीच बीच में कुछ कठिन श्लोकों की रचना कर देते थे, और जब गणेश जी उनके अर्थों पर विचार कर रहे होते थे, उतने ही समय में व्यास जी कुछ और नए श्लोक रच देते थे। इस प्रकार संपूर्ण महाभारत 3 वर्षों के अंतराल में लिखी गई। वेद व्यास जी ने सर्वप्रथम पुण्यकर्मा मानवों के उपाख्यानों सहित 1,00,000 श्लोकों का आद्य भारत ग्रंथ बनाया। उसके बाद उपाख्यानों को छोड़कर 24,000 श्लोकों की भारत संहिता बनाई। इसके पश्चात व्यास जी ने 60,00,000 श्लोकों की एक दूसरी संहिता बनाई, जिसके पास 30,00,000 श्लोक देवलोक में, 15,00,000 पितृलोक में और 14,00,000 श्लोक गंधर्व लोक में समाहित किए गए। मनुष्य लोक में 1,00,000 श्लोकों का आद्य भारत प्रतिष्ठित हुआ। महाभारत ग्रंथ की रचना पूर्ण करने के बाद वेद व्यास जी ने सर्वप्रथम अपने पुत्र शुकदेव को इस ग्रंथ का अध्ययन कराया था। उसके पश्चात अन्य शिष्यों वैशंपायन, पायल, जैमिनी, असित देवल आदि को इसका अध्ययन कराया था। शुकदेव ने गंधर्वों, यक्षों और राक्षसों का इसका अध्ययन कराया था। देव ऋषि नारद ने देवताओं को, असित देवल ने पितरों को और वैशंपायन ने मनुष्यों को इसका प्रवचन दिया था। वैशंपायन द्वारा रचित महाभारत का जनमेजय के यज्ञ समारोह में सूत सहित कई ऋषि मुनियों को सुनाया गया था। महाभारत की विशालता और दार्शनिक गुणता न केवल भारतीयों का संकलन है, बल्कि हिंदू धर्म और वैदिक परंपराओं का भी सार है। महाभारत की विशालता का अनुमान उसके प्रथम पर्व में उल्लेखित एक ही श्लोक से लगाया जा सकता है, जिसका भावार्थ है, जो यहाँ है वो आपको संसार में कहीं ना कहीं अवश्य मिल जाएगा, जो यहाँ नहीं है वो आपको संसार में अन्यत्र नहीं मिलेगा। अगर सूक्ष्म शब्दों में कहा जाए तो महाभारत जीवन का सार है। मनुष्य अपने जीवन में जो जो करता है वो सभी चीजें महाभारत में निहित है, और उससे पृथक मनुष्य अपने जीवन में कुछ भी नहीं करता है। महाभारत मनुष्य के जीवन का ही एक केंद्र बिंदु है।